श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती देवी काली की वो साधना जिससे अष्टविद्या की प्राप्ति होती है। अष्टविद्या और अष्ट सिद्धि में अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप में से बहुत लोगों ने ऐसा प्रश्न किया है कि कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हमारी बुद्धि तेज हो, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मुझे समय का बोध हो, जिससे मुझे वो चीज़ें पता चले जो औरों को ना पता है। और जब आपको अष्टविद्या की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब अष्टविद्या का ज्ञान मिलता है, तो पूरा दुनिया आपके लिए बहुत सहज हो जाता है। वो चाहे आपको दौलत कमाना हो, आपको सामाजिक अपना प्रतिष्ठा बढ़ाना हो, या फिर आपको अपना स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करना हो, अष्टविद्या की प्राप्ति से सारी चीज़ें हो जाती हैं। आज जो मैं आपको मंत्र दूंगा वो इसी अष्टविद्या को प्राप्त करने के लिए मंत्र है। देखो, अष्टविद्या जब आपको प्राप्त होता है काली का, तो माना जाता है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है उसके बाद, मतलब आप जो बोलोगे वही होगा। ठीक है, इसका अगर आप नित्य जाप करते हैं तो देवता भी आपके सामने नतमस्तक होते हैं। यही नहीं, आपका ज्ञान बृहस्पति देव के ज्ञान के बराबर माना जाता है। धन में आप कुबेर के समान होंगे, ठीक है, और आप कामदेव के समान आप में आकर्षण आएगा। यही नहीं, ये भी बोला जाता है कि एक बार इस सिद्धि को कर लिया तो पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए अलग से कोई भी साधना आपको नहीं करनी पड़ेगी, और जो भी राजा है वो आपके सामने हमेशा आपकी विद्या के सामने नतमस्तक होगा। ये जो विद्या है ये श्मशान क्रिया से सिद्ध होती है। देखो, एक मंत्र का बहुत सारा विधान होता है, मैं उसमें से सबसे सहज विधान आप लोगों को बताता हूँ। विधान बदलने से मंत्र का फल बदल जाता है। ठीक है, जैसे एक मंत्र मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को काली का दिया था, उसका एक सहज विधान दिया था, लेकिन उसी का एक विधान ये भी है कि आप एक मछली को लो, उसको अच्छे से उसको सिंदूर लगाओ, काजल पहनाओ, उसको मातृ रूप में श्मशान में स्थापित करो, और उसको गाड़ के और फिर उस पर पूजा शुरू करो। वहाँ जब साधना शुरू होती है तो सातवें दिन भैरव प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और फिर भैरव के सामने आपको बाकी 21 दिन की साधना करनी होती है। तो आम साधक के लिए क्या है कि ये साधना संभव नहीं होता है। तो मैं साधनाओं के, जैसे एक मंत्र है तो उसका कई विधान है। जो सबसे सहज विधान होता है, जो शुरुआती साधकों को करना चाहिए, जो गृहस्थ साधकों को करना चाहिए और कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। एक विषय और, काली कालिका, हाँ बहुत लोग बोलते हैं कालिका का मंत्र दीजिए। देखो, काली और कालिका में एक मूलभूत अंतर ये है जो आप लोगों को जानना चाहिए। काली आद्या रूपी काली है, ठीक है, जो 10 भुजा है। जब आप कालिका बोलते हैं तो कालिका का मतलब माँ तारा होता है, कालिका का साधना मतलब माँ तारा का साधना होता है, दोनों में यही अंतर है। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि काली तारा और नील तारा तीनों को एक ही रूप माना गया है, वैसे ही काली और कालिका काली और तारा का रूप है। अब आते हैं विधान पे। विधान बहुत अलग नहीं है, थोड़ा सा इसके हवन थोड़ा अलग होता है इसका। श्मशान जाइए, काली जी का यंत्र बनाइए श्मशान के राख से, ठीक है, और उसके सामने पूजा कीजिए। जो 5 चीज़ें होती हैं उनसे पूजा की जाती है, उन चीज़ों से पूजा कीजिएगा आप, जिसमें धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, गंध है और फल है। फल में केला चढ़ाइएगा तो सर्वोत्तम रहेगा। इतने चीज़ों को दे करके माँ भगवती का दीपक जलाते हुए जो दीपक मंत्र है उससे आवाहन करेंगे और उसके बाद भगवती की पूजा शुरू करेंगे। आप इसको अगर आने वाले गुप्त नवरात्र के 9 दिन कर लेते हैं तो वही पर्याप्त है, नहीं तो फिर 21 दिन की ये साधना होगी। ठीक है, 21 दिन की साधना में ऐसे आपको हर रोज़ जा करके साधना करनी है श्मशान में बैठ के, और इस वक्त आपको ऐसा समय चुनना है जब आपको इस साधना को करते हुए कोई ना देखे। ठीक है, घेराबंदी इस साधना में करना आवश्यक है, क्योंकि आपको माँ भगवती का आह्वान करना है और निम्न स्तर के किसी भी भूत या प्रेत से या किसी भी शक्ति को आपको सामने लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो घेरा करके बैठ जाएंगे, माँ का यंत्र बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, और फिर अभी जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इसका आप जाप करेंगे रोज 1100, मात्र 1100। एक माला में 108 दाना होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 11 माला करेंगे, गिन के आपको 1100 जाप करना है इस मंत्र का।
मंत्र सुनिएगा, तीन बार बोलूंगा मैं, ध्यान से मंत्र सुनिए। नमः आम आम क्रोम फट स्वाहा काली काली के हुम। फिर से सुनिए, नमः आम आम क्रोम फट स्वाहा काली काली के हुम। एक बार और सुनिए, नमः आम आम क्रोम क्रोम फट स्वाहा काली काली के हुम। इस मंत्र का 21 दिन तक आप जाप करेंगे या फिर गुप्त नवरात्रि के 9 दिन, दोनों में से जो भी करते हैं, इसको करने के बाद घी, मतलब प्योर गाय का घी, कोई मिलावट नहीं, मार्केट वाला घी नहीं चलेगा, आपको प्योर गाय का घी बना करके उसमें कारण मिला कर, कारण मतलब शराब, वो भी जो महुए का बना हुआ शराब हो, वैसा शराब, ये बोतल वाली शराब नहीं, उसको मिला करके पहले मातारा का आवाहन करेंगे, उनके नाम से 9 बार आहुति देंगे, उसके बाद इस मंत्र से दशांश हवन करेंगे। इतना करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद इसका रेगुलर आप जाप करते रहेंगे, धीरे धीरे करके आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और आपको बहुत सारी विद्याएं प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं सोचना है कि इस मंत्र का जाप कर लिया तो एक ही बार में अष्टविद्या मुझे मिल जाएगी, आपको धीरे धीरे अष्टविद्या मिलेगी, क्योंकि अष्टविद्या आप एक बार में संभाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब खरीद सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrasya.xyz पर जाइए। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। ये पेड ग्रुप है, इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। US, कनाडा और इंडिया के लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा हैंडल है rudranath@cm4, इस पर कॉल करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे 9431188585, तब भी आपको अपॉइंटमेंट का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, माँ काली आप सभी की सभी मनोरथ पूरी करें, आप सभी अष्ट विद्या के साधक बने, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।